कलरफुल बढ़िया होली के लिए अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल श्रद्धा सिंगला, और आप सबका बहुत 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 स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मेरी मम्मी आ रही हैं। होली से पहले वो हमेशा आती हैं, तो आज भी आ रही हैं, और इस बार काजल भी आ रही हैं। मतलब शादी की बाद की पहली होली तो अपने मायके में होती है, तो ये इस बार दूसरी होली है काजल की, लेकिन हम सबके साथ पहली बार होली काजल मनाएंगी। तो आज काजल आ रही है, काजल को आज हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जाते टाइम कलर तो ज़रूरी खेलेंगे। सो गाइस, अभी तो मैं जा रही हूँ किचन में, और जल्दी जल्दी से लंच रेडी कर लूँ, डैडी को भी कोर्ट जाना है, और उसके बाद कुछ नाश्ता वाश्ता भी बना लिया जाए क्योंकि मम्मी आ रही हैं। काजल पहली बार होली में आ रही है मेरे घर, तो चलिए फिर किचन में चल के कुछ नाश्ता वाश्ता रेडी कर ले, प्रिपेयर कर ले वेलकम के लिए, और फिर देखते हैं। आज पूरा ब्लॉग एंड तक देखना, बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि आज हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। एंड काजल के लिए एक सरप्राइज़ है कि काजल जब हमारे घर आएगी तो हम लोग उसको बाहर लेके चलेंगे, ये बोल के कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे उसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह देखने, उसी की पसंद से। ये उसके लिए सरप्राइज़ रहेगा बिकॉज होली में पहली बार हमारे घर आएगी तो थोड़ा कुछ बनता तो है, तो वो और खूब सारी मस्ती होगी कलर्स के साथ। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। फिलहाल मैं चलती हूँ किचन में, कुछ नाश्ता वाश्ता रेडी करती हूँ, आप देखिए मैं क्या क्या नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो दही बड़े बनने की तैयारी पूरी हो गई है मेरी, और यहाँ पे मैंने अपना वड़ा जो है पीस के रख लिया, मतलब मिक्सचर धोई का दही रख दिया है फेंट के अच्छे से, बस उसमें थोड़ा सा मसाला मिलाना बाकी है। तो जल्दी से तेल गरम हो फिर मैं बड़े तलना शुरू करूं। बाकी मेरा पूरा लंच बनके रेडी है, और क्या क्या मैंने लंच में बनाया है वो तो जब भी मैं अपने हस्बैंड का प्लेट लगाने वाली हूँ उसके बाद दिखाती हूँ क्या क्या बनाया है। तो जल्दी से बस वेट कर रही हूँ तेल गरम हो, वड़े में डालू, बिकॉज दही वड़ा मेरा फेवरेट है, कोई भी दही का आइटम मेरा फेवरेट है, तो दही वाले आइटम के लिए मुझसे वेट नहीं होता, जल्दी से बने, मैं जल्दी से टेस्ट करूँ। काजल होली में फर्स्ट टाइम मेरे घर आ रही है, मतलब होली में नहीं आ रही लेकिन होली के ओकेजन पे ही आ रही है आज मेरे घर, तो स्पेशली मैं मम्मी और काजल के लिए भी दही बड़े बना रही हूँ, और देखते हैं, मम्मी तो टेस्ट कर चुकी है, देखते हैं काजल को ये दही बड़ा कैसा लगता है। और ऐसा पहली बार होगा कि एक नंद एक्साइटेड है कि मेरी भाभी को मेरे हाथ का दही बड़ा कैसा लगता है, वरना ज्यादातर ना नंद लोग अपनी खातिर ही करवाते हैं। तो आज मेरे लंच मेन्यू में है चपाती, आलू न्यूट्रेला की सब्जी, दाल, दही बड़े एंड टिक्की वाली चटनी। तो मेरी मम्मी और मेरी भाभी काजल आ गई हैं दोनों लोग। आओ शिवराम, और ठीक हो? ऊपर ही लिए चलो। हाय काजल। नानी लाई आद्यान के लिए पिचकारी, और आद्यान आते शुरू हो गए। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। बस करो बेटा, ड्राइंग रूम में नहीं करना है। मम्मी आते ही फ्रूट चाट पैक करवा के लाई थी। अरे बेटा बस करो, और कैसा लगा दही बड़ा? अच्छा, ये मैंने बनाया है आज ही। थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ आज से ही होली की तैयारी होने लग रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मम्मी आई उसकी खुशी, और आद्यान को पिचकारी मिल गई है, तो आज से ही होली शुरू। अब तो मम्मी मेरे लिए लाई है होली के कलर्स एंड गुजिया घर से बना के लाई है, तो फाइनली मुझे गुजिया नहीं बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। एंड कुछ गिफ्ट्स हैं मम्मी की तरफ से, हमेशा आते हैं हम सब के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट काजल और मम्मी के साथ और मेरी सासू माँ। हाँ हाँ, हम लोग जा रहे हैं टॉय शॉप पे काजल के लिए एक न्यू टॉय लाने। हाँ हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं टॉय शॉप पे सारे मार्केट, और देखते हैं काजल की पहली होली यहाँ पे, तो काजल के लिए कुछ गिफ्ट लेने वाली है मेरी सासू माँ। तो चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं क्या शॉपिंग होती है, काजल को क्या मिलता है आज। चले चले। तो हम सब आए हैं
ट्रेंड्स में काजल की शॉपिंग ट्रेंड में चलो तो हम लोग कुछ ड्रेसेस अभी यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे ये मल्टी काफी मतलब ब्राइट कलर में था, ऑरेंज में, अभी वो कलर आ नहीं रहा एक्चुअल जो इसका था, बट ये उतना अभी अच्छा नहीं लग रहा, काफी लूज है ये। देखते हैं काजल को मेन पसंद करना है, काजल को क्या पसंद आता है। अभी काजल आई थिंक कुछ तो पिक कर रही है, काजल को थोड़ा पसंद आ रहा है, कलरफुल बढ़िया होली के लिए अच्छा लग रहा है ना, वाइट बेस पे वाइब्रेंट कलर है। क्या है, किसका है? रंग रीति का। तो काजल को यहाँ ट्रेंड में कुछ खास नहीं लगा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोंडा के ओपन मार्केट में और यहाँ चल के देखें कि काजल को कुछ पसंद आता है कि नहीं। बट एक्सपीरियंस है ओपन मार्केट, आप जो आप जहाँ जाते हैं रेगुलर ना, वो लोग आपका चॉइस जानते हैं, तो कम टाइम में वो आपकी पसंद की चीजें दिखा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ओपन मार्केट में काजल के लिए कुछ देखेंगे, प्लस आद्यान के लिए टॉय शॉप पर जाएंगे, और टॉय शॉप पे तो अगर नहीं गए तो समझ लो आद्यान हंगामा खड़ा करने वाले हैं, तो कुछ ले ना ले टॉय शॉप पे तो जरूर जाएंगे। बस बेटा हैप्पी मामी के साथ बैठे हैं, नहीं सीधे चलो, मामी से फ्रेंडशिप हो गई फिर से बहुत तगड़ी वाली। सीधे गाड़ी से उतरते ही आद्यांत को सामने ही एक होली की शॉप मिल गई, जिसपे इनको पिचकारी मिल गई, नानी लाई है उसके बाद भी नहीं एक पिचकारी चाहिए, समझ रहा है टॉय शॉप है ये। तो देखिए आद्यांत को क्या पसंद आता है। चला पाओगे? तुम्हारे साइज की तो है गन। और मार्केट में आते ही ना चारों तरफ जो होली के ऐसे स्ट्रीट स्टॉल्स लगे हुए हैं पिचकारी कलर्स के ना, वो होली वाली फीलिंग्स बड़ी अच्छी लग रही है मुझे तो, एकदम लग रहा है बस रंग उठाओ और होली खेल ही हूँ मैं। सामने है कनिष्का शॉप जहाँ हम लोगों को जाना है, पहले मैं यहाँ जाऊँगी, यहाँ ड्रेसेस अच्छे मिलते हैं, बट वहाँ अनफॉर्चुनेटली काजल को पसंद नहीं आया, तो हम लोग बगल में आए एक और शॉप है वधु वाटिका, वहाँ पे भी ड्रेसेस काफ़ी अच्छे हैं, तो अभी देख रहे हैं हम लोग। फाइनली काजल को एक सूट पसंद आ गया और हम लोगों ने ले लिया, और मेरी लगे हाथ, मैंने भी हाथ साफ कर लिया। तो मेरी और काजल की ड्रेस की शॉपिंग हो गई है। तो मार्केट से आने के बाद चाय की सख्त जरूरत थी, तो चाय बन रही है हमारे यहाँ, और सबको चाय पिलाती हूँ ताकि माइंड फ्रेश होकर थोड़ा एक्टिव हो जाए, फिर जल्दी जल्दी फिर डिनर भी रेडी कर ले, क्योंकि मम्मी लोगों को आज जाना भी है, तो देखते हैं क्या जल्दी से टेस्टी बन सकता है। फिलहाल चाय लेके चलती हूँ सबके साथ। अरे साहब का भैया अधूरा है, ये किया कि बहना के लिए लिए हैं। अरे वाह, बहना की जगह मैं बदला लूंगा। यहाँ हो रही है चाचू और भतीजे की पिचकारी वॉर। तो पिचकारी में पानी भर के चाचू भतीजे होली खेल रहे हैं। यहाँ काजल मम्मी जा रही है, तो हम लोग थोड़ा होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, लगेगी काजल खेल कूद के आई है। हैप्पी होली काजल, अगले साल एक नन्ना मुन्ना और आ जाए मम्मी के यार, राम जी बैठ के खिलाएगा। तो आप ध्यान दद्दा बन जाएंगे फिर से, नहीं तब वो बेदू भी बनेंगी, दीदी बनेंगी। शिवराम को बुला के दरवाजा मत चले, ये
ये देखो नानी को जाने से रोकने के प्लान, शिवराम को भी अंदर बुला डोर लॉक कर रहे हैं कि कोई जाए ना नीचे से नीचे से। अच्छा हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। अब भैया जा रहा कार्टून अपना देख, चलो कार्टून दिखाया जाए। कार्टून तो देखे कहीं बीटल आ गया तो तुम्हें काट लेगा। गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग और मम्मी अपने घर पहुंच चुकी हैं, हम लोग डिनर कर चुके हैं। आज का दिन बहुत सारी चीज़ों से भरा था, मतलब हम लोगों ने होली सेलिब्रेट की और अभी होली को जबकि एक दिन बाकी है, और हम लोगों ने शॉपिंग भी की होली की, आद्यान ने बहुत सारी मस्ती की। तो गाइस अगर आप सबको आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि होली वाला ब्लॉग आप ना मिस करें। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाली हैं जो कि हमारे ट्रैवल से रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन, और मिलते हैं नेक्स्ट होली वाले ब्लॉग में। तब तक आपको हैप्पी होली इन एडवांस। बाय बाय।